सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड सनी। सो गाइस, आज फिर से मैं आपके लिए एक कमाल की वीडियो लाया हूं, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं आप अपने फोटोज को अपने जीमेल आईडी पर कैसे सेव कर सकते हो। हाँ गाइस, आपने सही सुना, आप अपने फोटोज को अपने जीमेल आईडी पर सेव कर सकते हो। गाइस, अगर आपका इन फ्यूचर आपका फोन खराब हो जाता है तो आप अपने जीमेल आईडी को किसी दूसरे के फोन पर लॉग इन करके आप अपने सारे फोटोज को फिर से पा सकते हो। तो गाइस, वीडियो कमाल की होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखना। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं आता है तो आपको नीचे एक रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर प्रेस करके आपको नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर देना है, ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जीमेल पर फोटोज को सेव करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन पर जीमेल को ओपन कर लेना है। तो गाइस, चलिए हम अपने फोन पर जीमेल को ओपन कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको जीमेल को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आप जिस भी जीमेल पर आपको फोटो सेव करना है उसको यहाँ पे लॉगिन रखना है। सो गाइस, उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कंपोज का, उस पर आपको सिंपली उसके बाद क्लिक करना है। तो गाइस, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर अपना जीमेल आईडी शो करेगा। आप जिस भी जीमेल पर अपना फोटो को सेव करना चाहते हैं वो वाला जीमेल आईडी आपको यहाँ पे ऊपर शो होगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे देख सकते हो टू, तो गाइस टू के जगह में आपको सिंपली सेम वही जो आपके ऊपर पर जो ईमेल आईडी है उसी को यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। तो गाइस, यहाँ पे हमने कर दिया अपना जीमेल आईडी को, जो ऊपर है उसी को हमने नीचे भी फिलअप कर दिया। तो गाइस, आपको भी ऐसा कर देना है। तो गाइस, उसके बाद यहाँ पे आपका आता है सब्जेक्ट। तो गाइस, सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे कुछ भी लिख देना है, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं सब्जेक्ट पर माई फोटोज, यहाँ पे मेरा फोटो है तो लिख देते हैं माई फोटोज। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे आप देख सकते हो कंपोज ईमेल। तो गाइस, यहाँ पे आपको कुछ भी लिख देना है, जैसे आपको जो भी पसंद हो लिख देना है। यहाँ पे जैसे मैं फोटो लिख देता हूँ, तो गाइस यहाँ पे आपको लिख देना है फोटो। तो उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा अटैच फाइल, तो गाइस आपको सिंपली अटैच फाइल पर क्लिक कर देना है। तो गाइस, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारा फोटो आ जाएगा। तो गाइस, जिस भी फोटो को आप यहाँ पे सेव करना चाहते हो अपने जीमेल पर, यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेना। तो गाइस, चलिए यहाँ पे हम एक फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद अगर आप और भी फोटोज को यहाँ पे सेव करना चाहते हो तो फिर से आपको यहीं पर क्लिक करना है। आपको फिर से अटैच फाइल पर यहाँ पे क्लिक करके फिर एक फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप एक साथ बहुत सारे फोटोज को भी सिलेक्ट कर सकते हो, उसके लिए यहाँ पे आपको फोटो पर दबा कर रखना है। उसके बाद यहाँ पे आप जितने भी फोटोज को सेव करना चाहते हो अपने जीमेल पर उसे यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, हम यहाँ पे एक ही करके दिखाते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट पर क्लिक देना है। तो गाइस, यहाँ पे देखिए दो फोटो मैंने ले लिया। अब इसको आप यहाँ पे सेव करना चाहते हो जीमेल पर, तो गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। गाइस, जिस पे जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आप यहाँ पे, तो ये सेंड हो जाएगा। तो गाइस, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो सेंडिंग, तो मतलब ये भेजा जा रहा है आप ही के जीमेल पर। तो गाइस, यहाँ पे आपके जीमेल पर एक अभी मैसेज आएगा। तो गाइस, यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना है, वेट करने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा। तो गाइस, यहाँ मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे आप देखना अभी आ जाएगा एक मैसेज। तो गाइस, अभी वेट करेंगे थोड़ा यहाँ पे। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो मी करके एक मैसेज आ चुका है मेरा जीमेल पर। यहाँ पे देख सकते हो माई फोटोज। तो गाइस, यहाँ पे मैं क्लिक करके आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे मेरा जो फोटो है वो आ चुका है तो गाइस देखिए यहाँ पे मी करके एक फोल्डर आया है मैसेज में। तो गाइस, इसको सिंपली ओपन करते हैं। गाइस, यहाँ पे ओपन करने के बाद देख सकते हो मेरा दो फोटो है। तो गाइस, इसे आप हमेशा के लिए सेव करके रखना चाहते हो अपने जीमेल पर। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉर्नर पर एक स्टार का सिंबल। तो गाइस, आपको सिंपली इस स्टार पर आपको क्लिक कर देना है। तो गाइस, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपका जो है इंपॉर्टेंट पर सेव हो जाएगा। तो गाइस, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके आपको एक वहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा मार्क एस नॉट इंपॉर्टेंट, अभी दिखाई दे रहा है, बट आपको जब अगर आपका जो फोटो है इंपॉर्टेंट पर अगर सेव नहीं होगा तो यहाँ पे आएगा मार्क्स इंपॉर्टेंट आ जाएगा। तो वैसे यहाँ पे नॉट इंपॉर्टेंट मतलब पहले से ये इंपॉर्टेंट में सेव हो चुका है। तो वैसे यहाँ पे आप कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ स्टार पर क्लिक कर देना है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट में सेव हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे आप थ्री डॉट पर क्लिक करके आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर जाकर देख सकते हो कि ये फोटो आपकी जीमेल पर सेव हो चुका है। तो वैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाला ऑप्शन देख सकते हो, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका फोटो शो होगा मी नाम के फोल्डर से। तो वैसे यहाँ पे देख सकते हो आपका फोटो। तो वैसे ऐसे करके आप अपने फोटोज को अपने जीमेल पर सेव कर सकते हो। अगर आपका इन फ्यूचर आपका फोन कभी खराब हो जाता है तो आप अपने जीमेल आईडी को किसी दूसरे के फोन पर लॉग इन करके इंपॉर्टेंट वाले ऑप्शन पर आकर अपने फोटोज को फिर से यहाँ डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस, है ना कमाल की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी कमाल की वीडियो लाते रहते हैं। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर